हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज रेजिन का थर्ड क्लास है जिसमें हम फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ रेजिन पढ़ेंगे, मतलब भौतिक गुण क्या होता है रेजिन का उसके बारे में। तो सबसे पहले ये ट्रांसपेरेंट या ट्रांसलूशेंट इन नेचर होता है और ये सॉलिड और सेमी सॉलिड होता है एज इसका डेफिनेशन में बताया गया। इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है ग्रेटर देन वाटर होता है, दैट इज हेवियर देन वाटर। जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है वो रेजिन का वो वाटर से अधिक होता है। जो उसका रेंज ग्रेविटी का रेंज है 0.9 to 1.25, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। थर्ड, ऑन हीटिंग रेजिन को जब हीट किया जाता है तो ये सॉफ्ट हो जाता है और अल्टीमेटली मेल्ट कर जाता है, जो कि एक अडहेसिव या स्टिकी नेचर होता है। दैट इज ऑन हीटिंग सॉफ्ट एंड अल्टीमेटली मेल्ट और अडहेसिव फ्लूड। फोर्थ, ये एमोरफस होता है, नैदर एसिड नॉर बेसिक एंड रेयरली क्रिस्टलाइन, और ये क्रिस्टल के फॉर्म में बहुत रेयरली नेचुरल स्टेट में मिलता है। फोर्थ, जब रेजिन को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट करेंगे तो ये बर्न करेगा विथ स्मोकी फ्लेम के साथ। रेजिन प्लस ऑक्सीजन को हीट करेंगे तो ये बर्न करता है स्मोकी फ्लेम्स के साथ। सॉल्युबिलिटी, प्रैक्टिकली सॉल्युबल इन वाटर, ये रेजिन्स आर प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल इन वाटर, सॉरी प्रैक्टिकली मतलब प्रैक्टिकली में ये इनसॉल्युबल होता है वाटर में, और सॉल्युबल इन इथेनॉल, वोलाटाइल ऑल, CHCl3, CS2, एसीटोन फिक्स ऑयल, क्लोरल हाइड्रेट, एक्सेट्रा। थैंक यू।